हेलो पीपल एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। और अभी मैं बैठा हूँ इन द ऑल न्यू 2020 महिंद्रा थार। आज मेरे साथ है इस महिंद्रा थार का पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट। इसके लिए हमने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया है, बट इन टुडेज वीडियो जिस बात पे हम फोकस करने वाले हैं, दैट इज द टॉपलेस एक्सपीरियंस। आप देख सकते हो इसका जो कन्वर्टेबल सॉफ्ट टॉप है, मैंने उसे पूरी तरीके से रिट्रैक्ट कर रखा है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इफ दिस इज गोइंग टू फील स्पेशल, इफ दिस इज गोइंग टू बी कंफर्टेबल, क्या आप इस चीज को अप्रिशिएट करोगे, क्या आप इस चीज को पसंद करोगे। अब ये जो महिंद्रा की थार है, ये एक लाइफस्टाइल एसयूवी है एंड दिस हैज नाउ बिकम मच मोर प्रैक्टिकल कंपेयर्ड टू द ओल्ड थार। तो आप इसमें रीजनेबली कंफर्टेबली बैठ सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो हैव थ्री अदर पैसेंजर्स अलॉन्ग विथ यू बिकॉज दिस थार नाउ इज अ फोर सीटर। तो चलिए चला के देखते हैं इफ दिस महिंद्रा थार इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग और नॉट। बट वेट, सबसे पहले तो हम महिंद्रा की थार को रिफाइनमेंट इस शब्द के साथ ज्यादा एसोसिएट अब तक तो नहीं करते थे, लेकिन ये महिंद्रा की थार अभी आपको एक पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ भी मिल जाती है एंड द पेट्रोल इंजन इज अ लॉट मोर रिफाइंड देन द थार यूज्ड टू बी। तो जब आप इस इंजन को शुरू करते हो, जब आप इस महिंद्रा थार पेट्रोल वेरियंट को स्टार्टअप कर देते हो, इट स्टार्ट्स विदाउट मूविंग अराउंड टू मच। आपको ज्यादा मूवमेंट फील नहीं होती है वेन द इंजन इज टर्न ऑन। एंड नाउ लिसन टू द इंजन। एट अ स्टैंड स्टिल आप इस महिंद्रा थार पेट्रोल इंजन को रेव कर सकते हो टिल 4000 आरपीएम। 4000 आरपीएम के ऊपर ये आप रेव नहीं कर पाओगे, इट विल नॉट गो ऑल द वे क्लोज टू द रेड लाइन, बट देन दैट इज टू पॉइंटलेस टू डू इन द फर्स्ट प्लेस। बट आई एम स्टिल टेलिंग दिस टू यू इन ऑल ऑनेस्टी एंड जस्ट ब्रिंगिंग दैट टू योर नोटिस। व्हेन यू स्टार्ट ड्राइविंग दिस महिंद्रा थार, चेक दिस आउट। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अबाउट द टॉपलेस एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो अबाउट द माइलेज दैट यू आर गोइंग टू गेट विद दिस particular Mahindra Thar petrol automatic. Now we have been driving this Mahindra Thar inside the city limit for more than 60 to 70 odd kilometers and the mileage that I am seeing on the trip computer is 9.6 kmpl. अब लगभग 8.5 से 12.5 का माइलेज रेंज जो है आप इस गाड़ी में से एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो इफ यू आर ड्राइविंग इट प्राइमरली इनसाइड द सिटी, जब भी आपको काफी एफर्टलेसली क्रूज करने का मौका नहीं मिलता है इन बंपर टू बंपर ट्रैफिक, यू कैन एक्सपेक्ट क्लोज टू 8 टू 8.5 kmpl ऑफ माइलेज, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी रियलिस्टिक। जब आप इसे सिर्फ हाईवेज पे चला लोगे तभी माइलेज फिगर जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट इट कैन बी क्लोज टू 13 टू 14 kmpl आउट ऑन द हाईवे व्हेन यू आर ड्राइविंग इट क्लोज टू 90 टू 100 ऑड किलोमीटर्स विद टू और थ्री पीपल ऑन बोर्ड। और जब आप हाईवे और सिटी ये दोनों माइलेज फिगर कंबाइंड देखना चाहते हो ऑन योर ट्रिप कंप्यूटर, it is going to show somewhere close to 11 kmpl and I think that is reasonable for this particular Mahindra Thar, for this topless Mahindra Thar where you are not really going to be worried too much about the mileage because this experience is going to be unmatched. तो जब मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ, जब मैं ये Mahindra की थार चला रहा हूँ, this petrol variant especially, it is just so effortless to drive, it is just so silent to drive. Mahindra Thar standards ke hisab se ye kafi badhiya hai, ye kafi brilliant hai and you are really going to appreciate this. Aapko itne paise mein aisa experience aur koi bhi gaadi offer nahi karne wali hai and for that reason this Thar definitely is going to be a special product here in India. Abhi aap dekh lijiye, maine windows jo hain wo roll up kar rakhe hain, but there is a good amount of air that I am feeling inside the cabin because the top has been retracted. Lekin zyada takleef mujhe is cheez ki nahi ho rahi hai. Of course, if you have ladies seated in the car, if you are a lady who is driving this Mahindra Thar, your hair is going to get messy, and if you are a guy who worries a lot about your hair and your hairstyle, this particular setup is not really going to keep you at peace. But this will definitely feel special. When I'm driving this Mahindra Thar petrol automatic inside the city, abhi maine is gaadi ko standard D mode mein slot kar rakha hai and I'm driving it at 70 kilometers per hour and it is driving very nicely. It is just very car like to drive. Ab of course jab main car like kehta hu, this is in comparison to the old Thar. Purani Thar jo hai wo aapko kafi movement feel karati thi because this is a typical body on ladder SUV, but this all new Mahindra Thar on city highways
राइड्स रिलेटिवली फ्लैट, आपको ज़्यादा इसमें मूवमेंट फील नहीं होती है और उसकी वजह से आप ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहने वाले हो एंड देन यू विल बी एबल टू ड्राइव दिस कार फॉर दैट मच लॉन्गर इवन इनसाइड द सिटी। एंड ऑल्सो जब मैं अभी ये गाड़ी चला रहा हूँ, बिकॉज दिस ए सी इज जस्ट सो यूजेबल, इसका ये जो ए सी वेंट है काफ़ी आइडियली पोजिशन किया गया है, तो अगर आपको गर्मी लग जाती है वेन यू हैव द टॉप रिट्रैक्टेड, यू कैन स्टिल हैव दिस ए सी एट फैन ब्लोअर लेवल 2 or 3 and you can still get some cold air on your body, so you're not really going to sweat it out. Every time you are going to drive with the top down with this Mahindra Thar, you are going to be surrounded by curious minds who will be just so happy to see a car like this on the Indian streets. This is the petrol automatic variant. Now I am coming to a complete standstill. I am at a signal aur abhi main check karne wala hu is gaadi ka manual mode. इस गाड़ी में आपको टिप्ट्रॉनिक फंक्शन मिल जाता है, यू कैन यू नो पुश दिस गियर सिलेक्टर टू द लेफ्ट और अभी आप मैनुअल गियर कंट्रोल्स ले सकते हो एंड देन यू कैन गेट बेटर कंट्रोल ओवर दिस इंजन एंड गियर बॉक्स एंड दिस इज वेरी पावरफुल। महिंद्रा थार का पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरियंट सबसे पावरफुल वेरियंट है, यू गेट द मोस्ट अमाउंट ऑफ टॉर्क इन द पेट्रोल ऑटोमेटिक एंड चेक दिस आउट, व्हेन आई पुश इट यू हैव टू पुश द गियर सिलेक्टर अपवर्ड्स टू मेक अप शिफ्ट्स। इसके साथ आपको एक टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिल जाता है एंड ऑल्दो द गियर शिफ्ट्स आर नॉट सुपर फास्ट, नॉट लाइटनिंग क्विक, दिस टॉर्क कन्वर्टर इज स्टिल रीजनेबली स्मूथ एंड इट इज रीजनेबली क्विक। तो बाय एसयूवी स्टैंडर्ड्स, बाय सच अ कार स्टैंडर्ड, दिस कार इज ऑफरिंग यू वेरी गुड कन्वीनियंस एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू वांट टू हैव फन यू कैन एंगेज इन मैनुअल मोड। नाउ आई हैव स्लॉटेड इट बैक टू द स्टैंडर्ड डी मोड and I'm driving effortlessly close to 80 kilometers per hour out on the city highways here in Mumbai. Ab ride quality ke bare mein humne already sari baatein kar rakhi hain, you know that this 2020 Mahindra Thar rides a lot better than the old car used to, than the old Thar used to. You will be happy, especially if you are seated in the front seats, you will like it because these seats are very nice and supportive. Aapko adjustable lumbar support bhi mil jata hai, there is good side bolstering, to aapko kafi acha lateral support bhi mil jata hai. So this car definitely is a step up than what the Thar used to be. But one thing that could have been better is the seat bench. Agar seat bench aur thoda lamba ho jata to aapko under thigh support jo hai wo thoda aur behtar mil jata is gaadi mein. When you want to drive it inside the city, ek cheez jo aapko shayad thodi mushkil lag sakti hai in your initial ownership cycle is the steering wheel. Steering wheel aapko thoda heavy zarur mehsoos ho sakta hai. This car rides on 18 inch rims, aapko kafi wide contact patch tires bhi mil jate hain with this Mahindra Thar. So to move it, especially in such situations while making U-turns, you will feel that you are making slightly more effort than other conventional SUVs in this particular price range like the Creta or the Seltos. But then when you want to push it, check this out, I'm going to give it a full kick down and right now I am at 40 kilometers per hour, full pedal to the metal, crossed 60, crossed 80 and now touching 100 kilometers per hour. So ye jo Mahindra ki Thar hai, it is not slow by any means. By 2020 standards for an SUV, this is a fast car, this is a likable car. And this is now a comfortable Thar, not a car, because the Thar is not like your average car. And now let's talk about the speaker system in this car when you're driving this car topless. आप देख सकते हो यहाँ पे आपको roof mounted speakers दिए गए हैं. You have 2 additional speakers on this dashboard trim as well. And when you are driving like this, I'm going to crank up the music. Miley Cyrus's new one. I hope you could listen to it. You will get a decent amount of audio experience as well. Of course, this is not going to be something very acoustic, something very pleasing to your ears. लेकिन फिर भी जब आप इस तरीके से गाड़ी चलाओगे, the speaker system is going to do a decent job. काम चलाने लायक है. Of course, if you like something more extravagant, you can go to the aftermarket and get additional speakers or tweeters in this Mahindra Thar. पुरानी थार के कंपैरिजन में जब आप ये सॉफ्ट टॉप जो है इसे रिट्रैक्ट कर देते हो, जब आप ये कन्वर्टेबल मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हो, द ड्राइवर्स कैबिन इज नॉट टू डिस्टर्ब्ड बाय द अमाउंट ऑफ विंड ब्लास्ट एंड विंड नॉइस, तो ये आपको ज्यादा पसंद आने वाला है इन द सिटी। वी ऑल्सो ट्राइड ड्राइविंग अराउंड इन दिस 2020 महिंद्रा थार एट नाइट। ये कन्वर्टेबल टॉप जो है हमने पूरी तरीके से ओपन कर रखा था, वी रिट्रैक्टेड द सॉफ्ट टॉप एंड लेट मी टेल यू, ये एक्सपीरियंस जो है आपको और किसी भी गाड़ी में नहीं मिलने वाला है।
लेट एनी कार मैन्युफैक्चरर ऑफर यू एनी साइज ऑफ अ पैनारोमिक सनरूफ, लेकिन जो मजा आपको एक कन्वर्टेबल सॉफ्ट टॉप को रिट्रैक्ट करने के बाद मिलने वाला है, दैट इज जस्ट अमेजिंग. एंड यू विल डेफिनेटली लाइक द महिंद्रा थार इफ यू जस्ट सिट इनसाइड एंड गो आउट फॉर अ ड्राइव विद द टॉप ओपन. अब इसके पहले के जो महिंद्रा थार वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन सेइंग दैट मे बी यू आर टू बायस्ड और यू आर मे बी समवन हु हैज बीन अपॉइंटेड टू यू नो डू ऑल द सेल्स जॉब फॉर दिस महिंद्रा थार बिकॉज वी हैव बीन स्पीकिंग ओनली पॉजिटिव्स अबाउट दिस कार. लेकिन कुछ नेगेटिव्स जरूर हैं इस गाड़ी में. व्हेन यू ड्राइव दिस महिंद्रा थार एस्पेशली एट टाइम्स व्हेन यू हैव द एसी ऑन, आपको फ्रंट विंडस्क्रीन पे काफी कंडेंसेशन देखने को मिल जाता है. यू विल कॉन्स्टेंटली बी यूजिंग द सिंगल स्वाइप फॉर द वाइपर टू गेट दैट कंडेंसेशन ऑफ एंड दैट इज रियली ट्रबलसम, दैट इज रियली अनॉइंग. इसके बाद एक और चीज जो मुझे पसंद नहीं आती है आर द फ्लोर मैट्स ऑफ दिस कार. जो स्टॉक फ्लोर मैट्स आपको इस गाड़ी के साथ दिए जाते हैं दे आर वेरी वेरी स्लिपरी, तो आपके पैर जो है पूरे टाइम इस पे सरकते रहते हैं. एंड एट टाइम्स व्हेन यू वांट रियली गुड ग्रिप, अगर आपके जूते जो है वो गीले हैं, you are going to have to be very cautious while stepping in and out of this car and also making any kind of movements inside this Mahindra Thar. One more negative is that just like the old Thar, aapko AC vents ke aas paas bahut zyada condensation bhi dekhne mil jata hai and that is not a pleasant sight. Then there is this glove box which is absolutely useless. Itni kam jagah hai yahan pe, aap paperwork ke alawa yahan pe aur kuch bhi nahi rakh paoge. और अभी भले ही आपको इस 2020 महिंद्रा थार के साथ एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिल रहा है, जस्ट चेक दिस आउट, टच स्क्रीन पे काफी ज्यादा रिफ्लेक्शन है, देयर इज अ लॉट ऑफ ग्लेयर एंड दैट इज व्हाई यूजेबिलिटी इज नॉट ऑल दैट ग्रेट, रीडेबिलिटी इज नॉट ऑल दैट ग्रेट, एस्पेशली जब आप इसका जो सॉफ्ट टॉप कन्वर्टेबल मैकेनिज्म है उसे ओपन कर देते हो व्हेन द टॉप इज कंप्लीटली रिट्रैक्टेड. The new Thar also misses out on a proper dead pedal. और जब आप अपना पैर यहाँ पे rest करना चाहते हो, just check this out. This plastic section over here keeps messing up with your feet. एक और चीज जो मुझे इस Thar में missing लगती है, especially in this automatic variant, is a center armrest. एक armrest जरूर दिया जाना चाहिए था in this car. It would have just allowed you to rest your left hand easily when you're driving effortlessly or munching miles out on the highway. इस गाड़ी में आपको कोई भी dead pedal भी नहीं मिलता है, so that is also a miss in this Mahindra Thar. You can completely stretch out your left leg. काफी जगह जरूर दी गई है आपको, so even if you are a taller guy, your left leg will have enough room to move around. But there is no inclined dead pedal which will allow you to rest your foot effortlessly. But if you ask me, do I like this? I do. Will I buy this? I will. I am definitely considering buying this all new Mahindra Thar and with this topless mechanism. But my pick would be the diesel automatic because I am a sucker for that diesel nature. The way the diesel engine drives, the way it delivers torque. Even though this petrol is more torquey, has more torque to offer. There is no denying that fact. Ye Mahindra Thar, the petrol automatic, the petrol variant in general is much more refined, is much more silent inside the cabin compared to the diesel. Lekin jo naya diesel engine bhi aapko mil raha hai, which produces 130 horsepower, that is also a lot more refined than the old Thar used to be. So let me know in the comments below if you think that this Mahindra Thar, especially with this convertible soft top mechanism, is going to keep you happy. Kya aapko lagta hai ye special hai? Do you think this is going to massage your ego? Kya aapko lagta hai ye convertible soft top mechanism, is this going to be a good talking point in front of your friends and family? Will you boast about it? I definitely like it and I am definitely enjoying it, even though this is a nice sunny day here on the streets of Mumbai. So then, see you soon. Subscribe to the Shifting Gears channel. Press the bell icon agar aapne abhi tak use press nahi kiya hai. Stay notified. And of course, let me know if you like the 2020 Mahindra Thar. There is nothing like it.